दोस्तों, स्वागत है आपका कैडिया में। पिछले ट्यूटोरियल वीडियो में हमने सीखा था कि क्रूड पैरामेट्रिक 3 में जो सॉलिड कमांड है एक्सट्रूड, उसका यूज कैसे करते हैं। अब हम इस वीडियो में उसी कमांड की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के जरिए हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। यह स्ट्रोंसियम 32 GB का पेन ड्राइव है और इसे ही हम बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसे हम अगर ये कमांड जानते हैं तो इसको हम कैसे बनाएंगे। और आप भी इस टाइप से ढेर सारी पेन ड्राइव के ऑब्जेक्ट बना के देख सकते हैं, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके नीचे लिखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इस पार्ट को डिजाइन करना। इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होगी इस पेन ड्राइव के डायमेंशन की, जो मैंने पहले ही निकाल के रख लिया है। इसकी डायमेंशन है 41.8 × 11.2 × 3.4 mm। ओके, तो हमें डायमेंशन पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम इसके रेक्टेंगल को बनाएंगे, फिर हम उस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच में जाएंगे और स्केच में जाके हम इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे। अब एक रेक्टेंगल ड्रा करते हैं, मिडल माउस क्लिक करके इस कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो देखिए डायमेंशन इसमें छुपी हुई थी। अब आप ये सारी चीजों को यहाँ से छुपा सकते हैं ताकि आपको जो काम की चीज है वो सही सही दिखाई दे। जब जरूरत ना हो इन सब चीजों को तो हाइड करके रखिए। अब देखिए, जैसे कि ये पेन ड्राइव है, इसमें एक ये लंबाई है और चौड़ाई है, तो हमें पता है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 41.8 × 11.2। ये है 11.2 इंटर और ये है 41.8 mm। ये देखिए, ये आपकी साइज तैयार हो गई। अब क्या करिए, ओके कर दीजिए। ओके कर दीजिए तो आपका ये बेसिक एक रेक्टेंगल बनके तैयार हो गया। अब इस रेक्टेंगल को आप सिलेक्ट करिए, एक्सट्रूड कमांड में क्लिक करिए और यहाँ पे पेन ड्राइव की जितनी हाइट थी 3.4 mm, यहाँ से हाइट डाल दीजिए। ये देखिए, ये हमारी पेन ड्राइव, एक बेसिक पेन ड्राइव का फॉर्म तैयार हो गया। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या है कि ये देखिए, पीछे पूरी चौड़ी नहीं है, पीछे इसमें की फंसाने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी गई है। तो ये डिजाइन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला फेस सिलेक्ट करिए और यहाँ पे एक स्केच बनाते हैं। हर एक स्टेप को आप गौर से देखिए और आप किसी भी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। पहली बार आप हमें देखिए कि हम कैसे इस पेन ड्राइव को डिजाइन कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने हिसाब से इसे बनाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक नए ऑप्शन की हमें जरूरत पड़ रही है जिसका नाम है ये रेफरेंस। रेफरेंस क्या, जैसे कि इस पेन ड्राइव की एक एज पे हमें तो मिल, एक एज पे तो क्लिक कर लिया। अब इस ये जो एज है यहाँ पे क्लियरली क्लिक नहीं हो पा रहा, ये हमें शो नहीं कर रही कि कहाँ पे इसकी एज है। अगर यहाँ पे हम क्लिक भी कर दें तो ये देखिए कि हमें पता नहीं चलेगा कि जो हमने क्लिक किया है वो सही जगह किया है कि नहीं। ये देखिए, ये इसमें प्रिसीजन नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेफरेंस में क्लिक करिए, इस एज को सिलेक्ट करिए और क्लोज कर दीजिए। ऐसा करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे भी एक लाइन क्रिएट हो गई। आप क्या करिए, आप यहाँ से एक कॉन्स्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सा कॉन्स्टेंट लगाएंगे, कोइंसिडेंट लगा सकते हैं। इस पॉइंट को इस लाइन पे कोइंसिडेंट करा दीजिए और ये जो दो ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहे हैं ये बता रहे हैं कि ये दोनों आपस में सीध में है। एक ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ने उल्टा बना दिया है, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। इसे जो पकड़ के, अब ये देखिए इस साइड को नहीं जा रहा। ठीक है, हमें फिर से बनाना होगा, इसे डिलीट कर दीजिए, एक नया आर्क क्रिएट कर लीजिए। अब ये देखिए, दोनों तरफ हमें रेफरेंस मैच कर रहा है कुछ ऐसे। हाँ, पेन ड्राइव ऐसे ही है। अब इसे बनाने के बाद एक लाइन लीजिए और इस पॉइंट से
इस पॉइंट से इसके थोड़ा बाहर तक ये एक बना दीजिए रेक्टेंगल। अब हमें डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इसकी डायमेंशन हम 14 रख देते हैं, और ये जो आर्क ये 15। अब बाहर चलते हैं, अब क्या करेंगे, अब फिर से हमें एक्सट्रूड की जरूरत होगी, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, यहाँ से मटेरियल थोड़ा सा रिमूव करना है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन चेंज करिए, और टोटल 11.3 है, तो हम इसको 3.4 था, तो हम इसको 3 मटेरियल रिमूव कर देते हैं। मटेरियल रिमूव करने के लिए आप रिमूव मटेरियल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस टाइप की बनी है आपकी पिन ड्राइव, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे उसे पूरी तरीके से मैच करा देंगे। अब ये तो पीछे का एरिया है, अब आगे क्या होता है, इस फेस को क्लिक करिए, यहाँ पे स्केच पे जाइए, इसे सीधा करिए। अब देखिए हमें इसके चारों रेक्टेंगल्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डायरेक्ट एक ऑप्शन है ऑफसेट का, ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। ये देखिए ऑफसेट हो रहा है, यहाँ पे हम लूप का ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि सारी बाउंड्रीज का हमें एक बार में ऑफसेट चाहिए, तो हमें लूप का ऑप्शन पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, लूप, इसके बाद ये। अब इसकी ये देखिए बाहर की तरफ जा रहा है, तो हम इसे माइनस में 1 दे देते हैं इसको, और मिडल क्लिक करके बाहर आते हैं। ये अगर 1 mm डायमेंशन है, 1 mm हमें लग रहा है ज्यादा है, 0.5 सही रहेगी जी, और ओके कर दीजिए। अब इस स्केच को सिलेक्ट करिए, फिर से एक्सट्रूड कमांड में जाइए, इसकी डायमेंशन डायरेक्शन चेंज करिए, यहाँ पे कट मटेरियल का ऑप्शन ऑटोमेटिक चूज कर लिया है। अब देखिए अब हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ तक मटेरियल कट कर रहा है, तो इसके लिए अब हम व्यू चेंज कर लेते हैं। हर एक बात का अपना महत्व है, कब कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना है, ठीक है, ये समय के साथ साथ हम सीखते हैं। ये देखिए इतना हमने गैप क्रिएट कर लिया इसमें, और फिर से हम इसकी स्टाइल बदल देते हैं। ये देखिए अब एक ये बेसिक फॉर्म बन चुका है पिन ड्राइव का, लेकिन फिर भी अभी इसमें हमें पिन बनाना बकाया है, जो 4 पिन होती हैं पिन ड्राइव की, उन्हें बनाना बकाया है। तो फिर से ये वाला प्लेन सिलेक्ट करिए, स्केच बनाइए, इसे नॉर्मल कर दीजिए, और यहाँ पे अब देखिए हमें इस वाली लाइन की रेफरेंस की जरूरत होगी, क्योंकि हमें जो पिन बनानी है सेम इससे जुड़ी हुई बनानी है। तो फिर आप रेफरेंस में चलिए, इस लाइन को सिलेक्ट कर दीजिए और क्लोज कर लीजिए, तो ये रेफरेंस फिर से बन गई। जूम कर लीजिए यहाँ पे, अब इसी टाइप से ये बना दीजिए चार। अब इनकी हमें डायमेंशन इक्वल करनी है, अभी हमें यहाँ से क्लियर दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ से व्यू चेंज कर लेते हैं, ऐसे अब दिखने लगा हमें, सबका 1.5 रख देते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, क्योंकि सारी डायमेंशन को टाइम लगे। फाइनली हमने ये डायमेंशंस रखी हैं, अब ये डायमेंशन रेडी है, हमने ओके करके एक्सट्रूड कर देंगे, और सबसे पहले डायरेक्शन चेंज करके कहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया है आपको, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन, एक्सट्रूड द सिलेक्टेड कर्व पॉइंट सरफेस, ठीक है। और ये जो नेक्स्ट सरफेस है उसे चूज कर देंगे, तो ये वहां तक जाके एक्सटेंड हो जाएंगी।
अब हम इनका सेटिंग स्टाइल चेंज करके देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये इतना बन गया। अब हमें जरूरत है पीछे का जो ये की फंसाने के लिए की होल है, इसको बनाने के लिए सेम प्रोसेस वही है हमारा। यहाँ पे चलेंगे, एक स्केच बनाएंगे, इसे नॉर्मल व्यू कर देंगे। अब देखते हैं हमारा किस तरीके से बना है, तो हम वही तरीके से बनाते हैं। ये हम कर्व की मदद से बनाएंगे, स्प्लाइन की सहायता से। ये स्प्लाइन बन गई। अब हम इस स्प्लाइन को थोड़ा सा एडिट करेंगे। डबल क्लिक करिए स्प्लाइन पे और यहाँ पे कंट्रोल पे जाइए, और इसे ओके कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट से फिर से हम इसे कट कर देंगे रिवर्स डायरेक्शन में। बातें बहुत सिंपल सी हैं, बस आप एक बार ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, आसानी से आ जाएगा ये सारी चीज़ें। इसमें कुछ ज़्यादा कॉर्नर है, तो फिर से हम इसे एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्केच में चलेंगे, एडिट स्केच, ठीक है, नॉर्मल कर दीजिए, फिर से डबल क्लिक करिए, देखिए ये वाला शेप हमारा मैच नहीं कर रहा उससे काफी हद तक स्प्लाइन से बनाने से, तो हम क्या कर देंगे, स्प्लाइन को डिलीट कर दीजिए और इसकी जगह पे सिलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबाइए, इसकी जगह पे हमें ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, और इस पे हम फिलेट लगा देंगे। इस पे भी फिलेट लगा देंगे और इस पे भी फिलेट लगा देंगे। अब इन फिलेट जो लगी हैं इनकी जो रेडियस है इसे चेंज कर दीजिए। वन कर दीजिए। नॉर्मल में जाके इसकी और इस दोनों के बीच की डायमेंशन है, हमें हमें वर्टिकल डायमेंशन चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करिए, इस पॉइंट को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे क्लिक करिए और 2.5 दे दीजिए और इनके टोटल बीच की डिस्टेंस जो है उसे 5 दे दीजिए। ये बन गया और ओके कर दीजिए। अब सही कटा है, ठीक है। अब बात है कि ये जो स्ट्रोंसियम का ये जो सिंबल बना है लोगो, इसे कैसे बनाएंगे, ठीक है। इसे भी बनाने के लिए यहाँ क्लिक करिए फेस पे और वहाँ पे एक स्केच बनाइए। अब मैं थोड़ी देर के लिए पुश कर रहा हूँ, उसके बाद आप देखिएगा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है हमने इसका लोगो बनाने के लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं इन्हें हम ट्रिम कर देंगे सेगमेंट, ताकि
ये जो हमारा अंदर का ऑब्जेक्ट है वो क्लोज रहे। ये देखिए अब अंदर का ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। इसे जानने के लिए अब इसकी डाइमेंशन हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं जैसा भी है। इसके लिए मैं पूज कर रहा हूँ वीडियो और डाइमेंशन एडिट कर रहा हूँ, आप देखिएगा। और ये मैं इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। हम ओके करेंगे और इस देखिए हमने सेटिंग चेंज की थी। अब इसके से हम फिर से एक्सट्रूड कट कर लेंगे डायमेंशन चेंज और यहाँ से पॉइंट फोर। ओके ये देखिए हमारी बेसिक पेन ड्राइव बन चुकी है। अब इसे हमें सुधार क्या क्या करने हैं, जैसे इसमें हर जगह पे फिलेट लगी है। फिलेट का मतलब ये हर जगह पे सॉफ्ट है, राउंडेड है, इस वजह से अच्छी लग रही है। और ये अभी कॉर्नर में है इसलिए अच्छी नहीं लग रही। तो इसके लिए देखिए हम एक नया कमांड जानने जा रहे हैं जिसे कहते हैं राउंड, राउंड या फिलेट। ठीक है, तो इस कमांड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहले वो सारे कॉर्नर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें हमें एक लंबाई का फिलेट करना है। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे 0.5 है, 0.5 वैल्यू दे देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, हम इसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, तो क्या करेंगे फिर से राउंड में जाके एडिट कर दीजिए और कंट्रोल के साथ ये वाली वर्टेक्स भी सिलेक्ट कर लीजिए। ये बन गया। अब हमारी बारी है ये जो दो कॉर्नर बचे हैं इनको ठीक करने के लिए। तो हम फिर से राउंड ऑप्शन लेंगे, एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा राउंड के लिए। ध्यान रहे आप हर चीज को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करिए। यहाँ पे अभी फीचर वर्क नहीं हो रहा क्योंकि इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कॉर्नर के लिए। अब इसका सेटिंग चेंज कर दीजिए। ये आपका स्ट्रॉन्शियम पेन ड्राइव बन चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से आप ढेर सारे ऑब्जेक्ट बनाइए। ये काफी हद तक स्ट्रॉन्शियम पेन ड्राइव के जैसा है लेकिन अभी इसमें बहुत ढेर सारी एक्यूरेसी नहीं है। जब हम ये सारी अच्छे से बहुत सारी चीजें और कमांड सीख जाएंगे तो हम इसका एकदम एक्यूरेट मॉडल बनाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहूँगा। गुड बाय।